सो हे गाइस, शिवा वेलकम बैक टू अनदर सौ वीडियो सौ वंस अगेन विद लेजेंडरी सनी गेमिंग। तो यार आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बस कुछ टिप्स एंड टिप्स के बारे में, क्योंकि भाई लोग आज तक आप लोगों ने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखे होंगे, बट यार आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद से किसी ने भी नहीं बनाया है इस टॉपिक पर वीडियोज, ठीक है। तो भाई लोग हो सकता है आप अगर बहुत ढूंढोगे तो एक दो बंदे को आप लोग मिलोगे कि जिसने ये सब के बारे में बात किया है, ठीक है। क्योंकि गाइस इस टॉपिक पे बात कोई नहीं करता, सीधी सी बात है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत सारे बात जो है समझाने की बात होती है, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा जो बकते जाते हैं ना, ये सब अगर बकते जाएंगे आप लोगों के सामने तो यार नहीं चलेगा, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारे जो है गाइस खुद की वगैरह जो है पर्सनल ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है, तभी कोई जो है गाइस ये टॉपिक आप लोगों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो भाई लोग आज मैं बात करने वाला हूँ गाइस जो फ्री फायर में इंडियन चैंपियनशिप जो टूर्नामेंट चल रहा है उस टूर्नामेंट पे आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात जो है आप लोग कैसे जीत सकते हो हर एक टूर्नामेंट, ठीक है। बिकॉज टूर्नामेंट एक ऐसी चीज़ है, इधर ना तो क्लास स्क्वाड में वन टैप नहीं चलेगी, जो तुम अपने अंदर सोचते हो ना कि मैं वन टैप मारूंगा, तो यार इधर वो सब नहीं चलने वाली है, इधर चलने वाली है सिर्फ स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो भाई लोग आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को आज 4 बजे से टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है दोपहर को, ठीक है। तो यार मैं गाइस अभी इस बात पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से टूर्नामेंट पे हिस्सा ले पाओ, और गाइस आराम से जो है गेम प्ले खेल पाओ, और गाइस खेल पाओ टूर्नामेंट आराम से, ठीक है। इसमें टेंशन वाले आप लोगों का बात कुछ नहीं हो। तो यार सीधी सी बात है, जो भी वीडियो नया आ रहा है लाइक करना, भाई लोग जो भी चैनल पर नया आ रहा है सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो लोग अभी हम बढ़ते हैं टूर्नामेंट के बारे में। तो भाई लोग सीधी सी बात है, टूर्नामेंट के लिए कुछ पॉइंट एंड टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो वैसे नंबर एक की पॉइंट की बात करें तो भाई लोग आपके टीम मेट रोल ऐसा बंदा नहीं रखो कि यार कुछ भी सर्वाइव कर, मतलब सर्वाइव कैंपिंग करके जीत जाओगे, ऐसे भी नहीं है। आपके टीम मेट में 3 रसर चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि टूर्नामेंट में जो भी गेम प्ले होता है सारे के सारे बंदे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एंड एकदम एंड पर आके फाइटिंग होती है, एंड मतलब क्या एकदम शॉर्ट रेंज। तो यार आपके टीम में हमेशा 3 शॉर्ट रेंज मतलब कि रसर जो रस करते 3 शॉर्ट रेंज ऐसा बंदे रखो जो रस में माहिर हो, ठीक है। और एक रहना जो कैंपर है, मतलब उसको गेम के बारे में थोड़ा सा दिया मतलब ज्ञान हो कि कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से कैंपिंग कर करके अगर हम जाएंगे तो यार बुइया के तकरीबन पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं कि वन टैप चलाओगे, स्कार चलाओगे, AK चलाओगे, कुछ भी चलाओगे मर जाओगे, तो यार उतरोगे मर जाओगे सीधा वापस आ जाओगे, ठीक है। इसमें यार ऐसा मतलब वो मत फेलना उधर जाके, ठीक है। तो यार मैं बात इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को चलाने क्या टूर्नामेंट में बेसिकली 4 गन होती है टूर्नामेंट में चलाने के लिए। सबसे नंबर 1 एक है गाइस SKS, दूसरा है गाइस डैगनऑफ, तीसरा है गाइस M14। अगर M14 आप लोगों को कहीं पर भी मिलता है गाइस उसका चार्जर के साथ, बूस्टर चार्जर के साथ, तो गाइस सबसे बढ़िया है M14, एक नंबर M14 चला। जो गाइस जूम आउट जूम इन में एकदम एक्सपर्ट है उन लोगों को बोलना M14 चलाने के लिए, गाइस एकदम OP गन है, कत्ती जहर चलेगी। और भाई लोग नंबर 2 की टिप्स, हमेशा आपके स्क्वाड जो रश करेगी उनको बोलना भाई रश जो कर रहे हो पहले रश देखो, तुम्हारे पीछे बंदे की आगे बंदे, दाएं बंदे, बाएं बंदे, कहां पर बंदे, ये सब सोच के हमेशा फायरिंग करने के लिए बोलना, ठीक है। क्योंकि अगर फायरिंग करने में आप लोग कर दोगे दाएं तरफ बंदे को मारो, पीछे से कोई पेल के चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, सीधे मार के वापस आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है गाइस, आप लोगों को ऐसा नहीं करने कि इस मोबाइल पर चार्ज खत्म होगा दूसरे मोबाइल से गेम प्ले ऑन कर देते, ये उधर नहीं चलेगी। आपका लोकेशन जो है पता चल जाएगा, जब आप लोग टूर्नामेंट पे रजिस्टर कर रहे हो उधर से गिरने वाले आपको देख रहे हैं, आप कौन से मोबाइल रजिस्टर कर रहे हो और कौन से लोकेशन से खेल रहे हो। मान लो आप कलकत्ता से खेल रहे हो, ठीक है, मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग मान लो कलकत्ता से खेल रहे हो तो आपके मोबाइल पर जो EMI जो नंबर है उस कलकत्ता से ही चलेगी। अगर आपने दूसरे मोबाइल मतलब लॉग इन किया आपका ID और खेल रहे हो, ठीक है, आपको बैक कर दिया जाएगा, गेम से आपको खेला नहीं जाएगा, आपके स्क्वाड को बैक कर दिया जाएगा। अगर मान लो कुछ भी ग्लिच यूज़ कर रहे हो, हैक बैक यूज़ कर रहे हो, हालांकि फ्री फायर खुद यार हैक बेचते हो, सब छोड़ दो, उसके टॉपिक आज हम नहीं जा रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि अगर आप लोग हैक यूज़ करते हो तो तब क्या होगा। अगर आप लोग हैक यूज़ करते हो तो सीधी सी बात है आपको गेम से बैक कर दिया जाएगा, आप लोग हैक यूज़ नहीं कर सकते। चौथा और नंबर 5 की पॉइंट आते हैं गाइस, आपको सामान एयर ड्रॉप जरूर लेनी है, बिना सामान एयर ड्रॉप के आप निकाल नहीं सकते टूर्नामेंट पे। आपको सामान एयर ड्रॉप सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपको सामान एयर ड्रॉप आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोग बिना सामान एयर ड्रॉप पर खेलना चाहते हो तो सोच लेना एक तरफ से आपके खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी, जो भी आप मारना चाहते हो खुद मार रहे हो, ठीक है, बिना सामान एयर ड्रॉप। अगर आप लोगों को पता नहीं सामान एयर ड्रॉप किसको कहते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूं, यह चीज आपको लेके जानी है, सामान एयर ड्रॉप आपको इसको लेके जानी है। अगर आप दूसरे किसी चीज को लेके जाते हो टूर्नामेंट पे तो मान लो खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो या फिर कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो, ठीक है। तो यार ये था 5वां पॉइंट, अभी हम आते हैं 6वां पॉइंट पे। 6वां पॉइंट का अगर मतलब 6 पॉइंट की अगर बात करें तो भाई लोग सीधी सी बात है, आपका जो कैंपर है उसको हमेशा ध्यान में रखना है, पूरी टीम उसके दिमाग पर चल रही है, मतलब कि पूरी टीम का जो भी है मतलब जो चलने वाला टीम का, तो सारे के सारे जो भी पॉइंट होता है दिमाग होता है सारे उसके ऊपर चल रहे। तो यार ये हमेशा बात गौर करनी है,
कि उसको हमेशा प्रोटेबल, उसको हमेशा सेफ रखनी है, जो आपके कैंपर है उसको हमेशा सेफ खेलनी है, एंड आपके चार मेंबर हमेशा जुड़े रहो एक साथ में, जैसे कि मतलब लवर होते हैं ना, इस तरीके से आपको जुड़े रहना जीप के साथ, जैसे आप जुड़े रहे तो इस तरीके से वो सेम तरीके से जुड़े रहना है, ना कि इधर उधर भागते जाओ, इससे गुस्सा करो उससे गुस्सा करो, ऐसे बहस नहीं चलेगी टूर्नामेंट में, आपको हमेशा जुड़े रहना होगा, एक साथ में रस करनी होगी, ठीक है। जब गाइस देख रहे हो कि यार अभी सीन खराब हो रहा है, उसके बंदे मतलब तीन चार मार रहे हैं, लेकिन बट उसका नॉक एक ही हुआ है या फिर दो हुआ है शायद से, और अपने स्क्वाड पूरी खत्म होने वाले, तो एक बंदे निकल जाओ, आपको बुइया से जरूरत है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि उसको मार देंगे, तो ये सरासर दिमाग में बेईमानी छुपा कर रखे हो, ठीक है। और गाइस ज्यादा से ज्यादा भर्म छुपा कर रखे हो, बेईमान यार, सॉरी ब्रो, भर्म छुपा रखे। यार सीन ये होगा, अगर आप लोग मर जाते हो उस टाइम पे, तो आप ना तो नंबर वन पे, ना तो नंबर टू पे, ना तो नंबर थ्री पे आ पाओगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि यार अगर आप लोग नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स कहीं पर आते हो, आपको पॉइंट मिलेगी, सबसे बड़ी बात आपको पॉइंट मिलेगी, ठीक है। अगर आप मर जाते हो उतर के, तो आपको कुछ पॉइंट नहीं मिलेगा, और हर किले में दो पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो यार हमेशा ये सोचना कि आपको पॉइंट में ज्यादा मतलब रखनी है, ठीक है। और एकदम गाइस एकदम अगर सातवें टिप्स की बात करें, तो भाई लोग सातवें टिप्स में अगर हम लोग बात करें, तो ये है गाइस वो टिप्स कि आपका स्क्वाड जब भी उतर रहे हो लैंडिंग, जो गाइस पर्सनल एक टिप्स होता है गाइस, लैंडिंग हमेशा लैंडिंग ऐसी जगह पर करना कि उधर बंदे सबसे सब कम से, मतलब कम से कम आए, लेकिन आपको लूट मिलेगी, आपको सामान एयर ड्रॉप से आपको लूट मिल जाएगी, पर्सनल लूट जो आपको आप सामान एयर ड्रॉप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो गन जरूरी होगा गाइस, और हाँ AWM अगर आए गलती से भी मत छोड़ना, चलाना आए या ना चाहे भाई यार छोड़ना बिल्कुल भी मत AWM टूर्नामेंट में, ठीक है। सीधी सी बात है, अभी हम आते हैं गाइस, आपको लैंडिंग सबसे परफेक्ट तरीके से करना है, बिना अगर लैंडिंग आप लोग जाओगे तो यार लैंडिंग अगर गलत होगा तो आप लोग मर जाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी हम आते हैं गाइस एकदम आखिरी टिप्स पे, आठवें टिप्स, ठीक है। आठवें टिप्स में बात करें तो गाइस, भीड़ से हमेशा अलर्ट रहो। मान लो उधर फाइटिंग चल रही है, ऐसा नहीं है कि मौके का जाकर फायदा उठा ले, दो किल ले लेते। अगर हमेशा आपको सोचनी है कि यार मेरे अगर गोली चलाऊंगा, फायरिंग करूंगा, मेरे कहां पर बंदे हैं मेरे को देखना होगा, उसके बाद में फायरिंग कर सकते हो ना, तो उसके साथ गाइस हमेशा सोच कर खेलना कि यार मेरे को भीड़ से उलझना नहीं है, मेरे को पहले बुइया से मतलब है। अगर मैं चार पाँच किल कर लूँ अपने स्क्वाड मिला के, तो यार मेरे को किल का पॉइंट मिल जाएगा, और वो लोग मेरे को बुइया का भी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। सो यार हमेशा रहना भीड़ से अलग रहना, और आप लोगों के अपने स्ट्रेटेजी पे गेम प्ले बेस्ट है, जो अपने गेम प्ले मतलब रैंक ज़्यादा खेलते हैं, ग्रैंड मास्टर ज़्यादा पकड़ते, जैसे कि देख सकते हो मेरे स्क्वाड में अगर बात करें, मेरे स्क्वाड में दो दो प्लेयर है ग्रैंड मास्टर है, मैं खुद ग्रैंड मास्टर पर रहा हूँ, और मेरे जो स्क्वाड में गेम प्ले कर रहा है उसका नाम है गाइस राजू, वो भी गाइस ग्रैंड मास्टर के बंदे हैं, ठीक है। सो यार हमेशा स्क्वाड जो बना रहे हो, हमेशा ऐसा सोचना कि भाई लोग आपके स्क्वाड में स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग रेंज का गन सबसे पहले, यार लॉन्ग रेंज में आपने जैसे मैंने बताया, कुछ भी बकवास गन यूज मत करना, स्कार AKM का ड्रैग बरो उधर चलने वाला है नहीं, ठीक है। और वन टैप तो खास करके चलने वाला है नहीं, उधर बंदी स्ट्रेटजी काम आएगी, और जो भी होगा MP40 का स्प्रे चलेगा उधर, वन टैप आप मतलब घुस जाएगा पूरे एकदम पीछे में, ठीक है। सो यार हमेशा ये सोच के चलना कि आपको टूर्नामेंट जीतना है, ना कि उधर वन टैप दिखाना है, आपको टूर्नामेंट जीतनी है, ठीक है। तो यार हमेशा ये सोच कर रहना कि आपको अगर टूर्नामेंट जीते, आपको बुइया के सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और पॉइंट आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यार आज के टूर्नामेंट में शायद से आप लोग मेरे बात से चौंक गए होंगे, और गाइस कुछ प्रभावित हो गए होंगे कि यार मेरे को टूर्नामेंट सही से खेलना होगा, ठीक है। मैं गाइस इतना जोर से इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप लोगों का यार दिमाग में कुछ घुस जाए कि मैं टूर्नामेंट जीतूंगा ही जीतूंगा, ये मतलब जो है जोश आपके मन के अंदर आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं बात अभी कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अगर आपको चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और भाई लोग आपके स्क्वाड में खुद की एक स्ट्रेटजी होती है, किसी घर पे जल्दी जल्दी रस मत करना, सोच समझ के रस करना, ठीक है। तो यार आज के लिए भाई लोग वीडियो यहीं तक था, आज के लिए सभी को बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्द। आज के लिए सभी को बाय बाय, 4 बजे से टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है, सभी लोग रेडी रहना, मोबाइल पर चार्ज बैठा के एक मोबाइल से लॉग इन करके दूसरे मोबाइल पर खेलना मत, जिस मोबाइल पर आपका ID लॉग इन है उसी मोबाइल से गेम प्ले करना, ठीक है। आज के लिए सभी को बाय बाय जो गाइस।